हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं वीडियो बोल के बनाई थी लेकिन बच्चों ने बहुत शोर कर दिया और टीवी चला दिया था, तो कॉपीराइट आने का डर था, इसलिए मैंने दोबारा से बोला। तो आज है सीता नवमी, आप लोगों को सीता नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी ठीक हुई तो मैंने सोचा कि लाओ दूसरे टाइम से ही थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं और प्रसाद वगैरह बना के भोग लगा देते हैं। तो मैं उठ गई फिर ऐसे ही और बनाने जा रही हूँ। मैं सब्जी बनाऊंगी, पूरी हलवा चना बना के मैं भोग लगा दूंगी, क्योंकि जितना हो सके उतना ही कर लो, यथाशक्ति होती है तो वही है। तो फिर मैं इस तरीके से अपने सीता नवमी कुछ मनाऊंगी। तो सारी तैयारियां हो गई हैं, सिर्फ बनाना है, तो चलो मैं बनाने। वीडियो पसंद आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आ गई मैं रसोई में और बनाने लगी है सूजी, भूनने लगी सूजी, भून के फिर मैं इसको अच्छे से तैयार करूंगी। और दूसरी तरफ गैस पे मैंने चढ़ा दिया था आलू और छोले एक में ही करके, क्योंकि मन नहीं कर रहा था, पैर में दर्द हो रहा था काफ़ी, तो इस तरीके से मैंने छोले आलू उबाला। और इधर मैंने जो है सूजी भून रखा है, बढ़िया से भूनूंगी इसको, क्योंकि हलवा बनाना है तो बहुत अच्छे से मैं सूजी भूनती हूँ देसी घी में डाल के। तो इस तरीके से मैं भूनूंगी और खूब अच्छी हमारी सूजी भून गई है। अब मैं इसको पानी डाल के खूब बढ़िया से मिक्स करूंगी, फिर मैं घी डालूंगी। तो फिर मैं पानी डालूंगी, ऊपर से घी डाल के और मिक्स कर देती हूँ अच्छे से, ताकि घी खूब बढ़िया से उसमें अंदर मिक्स हो जाए। तो ढेर सारा घी डाल के मैंने इस तरीके से हलवा तैयार कर लिया। तो मेरा हलवा बन के हो गया तैयार। और दूसरी तरफ मैंने जो छोले रख रखे थे उसको भी अब बनाऊंगी। सब्जी बनाने के लिए मैंने काटे ढेर सारे टमाटर, और जो है फिर ये सब्जी टमाटर भूनने लगी और चने छोले भून क्या। तो छोले मेरे बन गए हैं और दूसरी तरफ सब्जी भी मैं अच्छे से बना दूंगी। ये देखिए मैं बनाई सब्जी, उसमें डाली हरी धनिया डाल के खूब बढ़िया से इसको बना दूंगी। तो इस तरीके से मैंने आलू टमाटर और थोड़े से छोले डाल के सब्जी तैयार कर दिया। उसके बाद आटा गूंद रखी थी, मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ तलूँगी। तो पूड़ियाँ भी हमारी तल रही हैं, आधी तल गई हैं और तल रही हूँ। तो फटाफट से सारा खाना भोग लग जाएगा बन के। और इस तरीके से हम बना रहे हैं, मना रहे हैं सॉरी, अपनी सीता नवमी। आप लोग किस तरह करिए, बाहर का है देखिए, बेल वगैरह कितने अच्छा, बच्चे जो है सब बैठे हुए हैं और ये वेदांश को देखो मशीन पे घूम रहा है, अंशिका पानी पी रही है, तो सारे बच्चे इधर उधर मस्ती कर रहे हैं। तो ये देखो इसको मशीन पे बैठ रहा है, घूम रहा है। फिर भोग बन गया था, ठंडा हो गया थोड़ा, तो भोग लगाने के लिए मैं आ गई मंदिर में। तो हमारे लाला के लिए लग रहा है भोग, इस तरीके से हमने बनाया। फिर डाला कान्हा के लिए तुलसी पत्ती, क्योंकि तुलसी पत्ती के बगैर कान्हा भोग नहीं लगाएंगे। मैया का, कालिका मैया का, सबका भोग निकाल दिए हैं। उसके बाद हम पटबंद कर देंगे। पटबंद करने के बाद फिर कुछ देर के बाद लाला को ताली बजा के फिर उनको बुलाया जाता है, कि मतलब भोग लगा लिए, नहीं ऐसे डायरेक्ट नहीं खोलते हैं पर्दा। तो हम पर्दा लगा दिए हैं, पर्दा लग रहा है, हमारे प्रभु भोग लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने मनाई सीता नवमी जो थोड़ा बहुत हो सका। वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अच्छे अच्छे। और जो है आप लोग कैसे मनाए हैं कि नहीं वो भी बताएं। तो नए हैं तो चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जय माता दी, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो आपको जैसे भी लगे वीडियो प्लीज़ कमेंट करें और कमेंट अच्छे अच्छे करें, और आप लोग कैसे करते हैं वो भी बताएं। फिर हो गई, मैं चाय नहीं बनी थी तो इनके दादा के लिए मैंने चाय बनाई। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा चावल भी बनाना था, चावल चढ़ा दी थी। और बाहर इतना अच्छा लग रहा था मौसम कि क्या ही बताऊं। तो ये देखिए बाहर तो रात भी हो गई थी काफ़ी। तो इस तरीके से सब लोगों ने अपना खाना पीना खाया और हमने फिर जो है बनाए सीता नवमी मनाई। और ये है बाद में मैं फिर आ गई किचन में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय माता दी सबको, राधे कृष्णा, शुभ रात्रि।